नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन में एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सेंसेस एज वेल एज स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप कैसे करें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आए हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं अध्ययन सामग्री के बारे में। तो साथियों, ये चारों जो सब्जेक्ट मेरे द्वारा अभी गिनाया गया, कौन कौन सा? एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सेंसेस एंड स्टेट, इन चारों की तरफ सब्जेक्ट के लिए आपको परीक्षा वाणी का किताब पढ़ना होगा। जी हाँ, इन चारों सब्जेक्ट के लिए आपको परीक्षा वाणी का किताब का अध्ययन करना होगा। क्यों? क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा कि सामान्य अध्ययन में इस विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेसिस होते हैं, और इस आधार पर परीक्षा वाणी का किताब इस परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत उपयोगी है। खास बात है कि ये जो चारों सब्जेक्ट है उसे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी रिपीटेड किए जाते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि आप अवश्य ही घटना चक्र के पूर्वावलोकन का पर्यावरण और राज्य आधारित क्वेश्चन की तैयारी के लिए इन दोनों पुस्तकों का अवश्य ही चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में भी जानकारी होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, हर एक क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, जब आपको सफल होना है तो अवश्य ही सही पुस्तक पढ़ना ही पढ़ना है। और अब आते हैं प्रत्येक विषय के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडेंस, ठीक है? क्योंकि सफलता के लिए गाइडेंस का सही होना बेहद ज़रूरी है। तो पहले मैं चर्चा करने वाली हूँ एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण पे। साथियों, वर्तमान काल में पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, ज्वलंत टॉपिक है, ये काफ़ी हॉट हो चुका है और काफ़ी चर्चा का केंद्र में वर्तमान में है, जिसके कारण अब प्रश्नों की संख्या एनवायरनमेंट से संबंधित संख्या ज़्यादा हो गई है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ प्रत्येक दशा में परीक्षा वाणी का जो पर्यावरण है उसको आप टॉपिक वाइज अवश्य पढ़ें, और जिस टॉपिक को पढ़ें उसको तुरंत सॉल्व आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से करें, ठीक है? और ख़ास बात है साथियों, यदि इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आप अवश्य ही मैक्सिमम पाते हैं। दूसरा चीज़ जो सब्जेक्ट है वो है आपका स्टेट। स्टेट अर्थात उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारी या अध्ययन सामग्री, उसके लिए भी मैं आप सभी को परीक्षा वाणी सजेस्ट की हूँ, एज वेल एज घटना चक्र पूर्वावलोकन। हर एक टॉपिक को पढ़ें, फिर तुरंत रिवीजन करें किससे, पूर्वावलोकन से। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन को एक बार नहीं, दस दस बार रिपीट किया गया है, ठीक है? तो रिपीटेड क्वेश्चन प्रत्येक दशा में आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं कृषि पर। कृषि के लिए आपको रणनीति अपनानी होगी, जो समसामयिक फैक्ट है उसको भी पढ़ना होगा। और इसके लिए ऑलरेडी मैं जब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन सामग्री बताई तो उस समय ही मैं आपको बता दी थी कि घटना चक्र का जो अर्थ की आता है उसे आपको जरूर पढ़ना है। तो वहाँ पे आप जब तैयारी कर रहे हैं तो साथ में कृषि के जो समसामयिक पॉइंट है वो वहाँ पे आपका तैयार हो चुका है। बावजूद आप सभी अवश्य ही परीक्षा वाणी का किताब पढ़ेंगे और ख़ासतौर पर जितने बॉक्सेज हैं उसको जरूर तैयार कर लेंगे इस किताब का। अब हम चलते हैं सेंसिस पे। सेंसिस का मतलब मात्र आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना ही नहीं पढ़ना है, मात्र आपको भारत की जनगणना ही नहीं पढ़ना, बल्कि वैश्विक परिवेश में जो जनगणना से संबंधित रूपरेखा है सबका अध्ययन करना होगा। और इसके लिए घटना, इसके लिए परीक्षा वाणी का जो पतला वाला किताब आता है जनगणना का, वो सफिशियंट है। तो साथियों, आप सभी इस उपाय को अपनाएं, निश्चित रूप से आप सभी इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिए, ये चारों सब्जेक्ट को यदि एक साथ समायोजित किया जाए तो 35 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से मिलाकर पूछा जाता है। तो आप अवश्य ही अच्छे से तैयार करें, निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन आपका सही होने वाला है, सफलता आप अवश्य प्राप्त करेंगे। अवश्य ही अपने परिश्रम पर भरोसा करें, निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।